हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया पॉलिसी माजी से कितनी मुख्तलिफ है और ईरान और इराक में जल्जले से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल क्या है, इन मौजूदात के साथ साथ प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। रोहिंग्या बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका क्या कर रहा है? Goal here is to get those that have been displaced to allow them to return to their homes. अमेरिकी खवातीन की सियासी तरबियत की कोशिशें। But we've got to get women willing to step forward and run. Talk about the social problems of our society. और पाकिस्तान के एक नाबीना ऐप डेवलपर से मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता 12 रोज़ के दौरान एशिया के 5 मुल्कों का दौरा किया, जो कि 25 साल में किसी भी अमरीकी सदर का तवील तरीन दौरा एशिया था, जिसमें उन्होंने जापान, जनूबी कोरिया, चीन, वियतनाम और फिलिपाइन की क्यादत से मुलाकातों के साथ साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सरबराह इजलास में शिरकत भी की। सहर माजिद इस वक्त हमारे साथ हैं। सहर, सदर अपने इस दौरे को बहुत कामयाब करार दे रहे हैं, जिसमें तिजारत और सिक्योरिटी उमूर पर खास तवज्जो दी गई, लेकिन इंसानी हकूक पर माजी के बरक्स अमरीकी क्यादत की जानिब से कोई अहम बयान सामने नहीं आया। इंसानी हकूक के कारकुन क्या कह रहे हैं? जी साकिब, सदर ट्रंप के एशियाई दौरे में सिक्योरिटी और नॉर्थ कोरिया के हवाले से तो उन्होंने बहुत जोर दिया है, लेकिन इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली कुछ तंजीमों का कहना है कि इंसानी हकूक से मुतालिक कुछ नाजुक मसाइल पर बातचीत करने से सदर ट्रंप ने गुरेज किया है, जिसके लिए उन्हें तनकीद का सामना है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। उस वक्त जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिलीपींस के सदर रोड्रिगो ड्यूटेर्टे से एक इलाकाई समिट की साइडलाइंस पर मुलाकात हो रही थी, दारुल हुकूमत मनीला में अमरीकी सदर के पुतले जलाने वाले मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई। हमें यकीन है कि इस मीटिंग का फिलीपीन के अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे इंसानी हकूक की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर तो बातचीत की, लेकिन इंसानी हकूक के मौजू पर बात करने से गुरेज किया। We want our partners in the region to be strong, independent. हम खित्ते में अपने हलीफ ममालिक को खुद मुख्तार, आजाद और खुशहाल देखना चाहते हैं, इस तरह के वो किसी के मोहताज न रहें। इंडो पैसिफिक की तरक्की के लिए ये हमारे बुनियादी असूल हैं। क्या सदर ट्रंप की अपने फिलिपिनी हम मनसब से उनकी मंशियात के खिलाफ जंग में मावराए अदालत हलाकतों के हसास मौजू पर बात हुई? इस बारे में मुतजाद रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इंसानी हकूक के इदारे इन हलाकतों को इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करार देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि इस हवाले से दोनों सदूर के दरमियान मुख्तसर बात हुई, लेकिन फिलीपींस हुकूमत के नुमाइंदे का कुछ और कहना है। मारवाए कानून हलाकतों और इंसानी हकूक के हवाले से कोई बात नहीं की गई। फिलीपींस की ड्रग्स के खिलाफ जंग पर तफसीली बात जरूर हुई, जिस पर सदर ड्यूटेर्टे ने वजाहत पेश की। जब एक सहाफी ने इस बारे में सवाल किया तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के इस रवैये पर काफी तनकीद की गई है, जिनमें उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन मैकेन भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इस मीटिंग में इंसानी हकूक यकीनन सदर ट्रंप के एजेंडा में शामिल नहीं थे। इंसानी हकूक पर आवाज ना उठाए जाने से जालिम हुक्मरानों को मजीद हिम्मत मिलती है, और वियतनाम और कंबोडिया जैसी हुकूमतें जब देखती हैं कि दुनिया इनके जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रही तो इनकी और हौसला अफजाई होती है। 12 रोजा इस ट्रिप के बाद सदर ट्रंप आज अमरीका वापस लौट रहे हैं। इस दौरे से वापस लौटने के बाद सदर ट्रंप एशियाई मुल्कों के साथ होने वाली तिजारती डील्स और नॉर्थ कोरिया के हवाले से अपनी पॉलिसीज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई तारीख मुतय्यन नहीं की है। जी साकिब। सहर, आप हमें कैपिटल हिल से सदर ट्रंप के दौरे एशिया के रद्द अमल के बारे में बता रही थी, थैंक यू।
और सदर डोनाल्ड ट्रंप की एशिया पॉलिसी माजी से कितनी मुख्तलिफ है, इस पर हम बात करेंगे एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव गुप्ता से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। अनुभव, वेलकम टू व्यू 360। प्रेसिडेंट ट्रंप लार्जली स्टेड ऑन द स्क्रिप्ट, बट हाउ डज दिस एशिया पॉलिसी लुक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैव हैड फॉर दिस रीजन? Sure. Thank you, Sahar. There was, as you saw, there was a new policy that was outlined by the administration for a free and open Indo-Pacific. And this terminology is a new one. They've stressed this alongside Japan and India. Similar language has been used by these countries. So there is this change in focus. But in terms of changes, there's greater, more strong rhetoric against North Korea. And there's this focus on America first, especially on economic issues. And this has been a big change, where in the past administration, President Obama helped negotiate the Trans-Pacific Partnership, which was a free trade agreement between 12 countries. Now, the United States has decidedly walked away from that and has said that it's going to focus on America first, and it wants to do trade in a bilateral manner, okay, which is a significant change. So, maazi ke muqable mein agar dekha jaye to khaas taur pe Sadr Obama ki policy ye thi ki wo trade ke kaseer ul mulki mohiton mein unki dilchaspi thi, jaise Trans Pacific Partnership, lekin usse Sadr Trump ne alaida kar diya America ko, aur unka focus zyada America first pe hai, khaas taur pe America ko tijarat ke hawale se aage rakhne pe. Dusra, Anubhav ne ye kaha ki bahut sakht alfaz mein bayanat Sadr Trump ke samne aa rahe hain, khaas तौर पे शमाली कोरिया को लेके, और एक फ्री और एक खुला माहौल वो इंडो पैसिफिक रीजन में देखना चाहते हैं और उसी की तरफ वो काम भी कर रहे हैं। अनुभव, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अबाउट 10 इयर्स देयर आर 3 यूएस कैरियर्स आल्सो इन द पैसिफिक रीजन, एंड दैट एड्स टू व्हाट यू सेड, यू नो द स्ट्रांग रेटरिक वीज़ावी नॉर्थ कोरिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, बाय नॉट ब्रिंगिंग अप दिस इशू, इज अमेरिका गिविंग अप ऑन इट्स मॉरल अथॉरिटी ऑन द इंटरनेशनल लेवल? I think it's a valid question, especially when the administration is talking about a free and open Indo-Pacific. What does that mean? If free and open does not involve human rights, if it does not involve the rule of law, it sends a really different message to the region that the U.S. has done in the past. President Obama in the past has criticized, for example, both countries like the Philippines, but also partners like India. So he's criticized both non-democracies and democracies in the region when he felt that human rights issues were being trampled. And so this is a change in at least what the president is willing to say publicly, and we'll have to see how, you know, what the impact is in the region. So Sadr Trump jo duniya ke samne kehna chahte hain, maazi ke muqable mein wo mukhtalif hai insani huquq ke mamle ko lekar, lekin isse ye sawal bhi paida hota hai ki jab sadr ye kehte hain ki ek free aur open mahol paida hona chahiye indo pacific region mein, to agar usme insani huquq ka jo pehlu hai wo shamil nahi hota to kya hoga? Aur khaas taur pe agar sadr obama se compare kiya jaye to wo maazi mein insani huquq ke mauzu ko bahut bold tarike se, khule tarike se uthate rahe, aur sirf cheen ke hawale se hi nahi balki bharat ke hawale se bhi, yani democracies aur jo non democratic countries hain dono ke bare mein unhone baat ki. You talked about India. Indian Prime Minister Modi also attended the ASEAN summit. He met with President Trump, and the Indians, Americans, Australians and Japanese also talked about creating a quadrilateral group for this region. While India may help advance US foreign policy goals in Southeast Asia, especially creating, becoming a balancing force with regards to China, how do other smaller nations in this region view India's ambitions? I think in Southeast Asia and in East Asia, India is welcomed quite a bit, you know, and Japan and Australia have welcomed India. But India as a growing market, as a blooming economy, is a country a lot of folks in the region, a lot of countries in the region want to develop a stronger partnership with. What was quite, I thought, significant was that President Trump, in his speech at APEC, which includes 21 economies, which India is not a member of, in his speech, he actually talked about India, congratulated India on its economic development, and congratulated Prime Minister Modi specifically for what he has done. So President Trump is really trying to really elevate India's importance in the region, and he got, you know, an applause for that line. So in general, I think India's growing engagement is welcome. So Anubhav कहते हैं कि overall खत्ते में इंडिया की जो बढ़ती हुई engagement है, उसका बढ़ता हुआ किरदार है, उसको welcome ही किया जा रहा है. सदर ट्रंप ने APEC के forum पे
جو کہ ایشیائی ممالک کی ایک تنظیم ہے جس میں بھارت جس کا حصہ نہیں ہے پھر بھی اس کے پلیٹ فارم پہ نہ صرف بھارت کو اس کی ترقی کے لیے مبارکباد دی بلکہ اس کو یہ انوائٹ کیا کہ وہ اس حصے میں زیادہ اس خطے میں زیادہ بڑا کردار ادا کرے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں پہ ایک بڑا کردار دیکھ رہے ہیں اور اس کو عمومی طور پہ ویلکم بھی کیا جا رہا ہے ایک اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بات بتاتے چلوں کہ امریکی کانگریس نے نیشنل ڈیفینس آتھرائزیشن ایکٹ 2018 میں ایک ترمیم کی ہے اس کے تحت وزیر دفاع کو یہ تصدیق کرنی تھی کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہا ہے لیکن اب اس ایکٹ میں سے لشکر طیبہ کا نام نکال دیا گیا ہے سو انوبو وی ٹاکڈ اباؤٹ انڈیا اینڈ یو ایس ان دس ریجن انڈیا اینڈ یو ایس بوتھ ہیو ڈکلیئرڈ لشکر طیبہ ا ٹیررسٹ آرگنائزیشن What signal is the U.S. sending by removing LET and keeping Haqqani Network in the Defense Act? I mean, the U.S. is essentially sending a signal that when it comes to South Asia, its number one priority is stability in Afghanistan, and it knows that it needs Pakistani cooperation to stabilize Afghanistan. And instead of alienating Pakistan further by including LET in the decision, it's saying that it's going to focus on the Haqqani network, which mm-hmm. is directly targeting people in Afghanistan. The second thing, if I may, is that India is going to be disappointed by this. The Trump administration, as part of its new South Asia strategy, said that it's going to be pressuring Pakistan to counter terrorism in all cases. So this is business as usual from the United States. India has been used to this. So this will be a disappointment for India, mm-hmm. but it's tracks with what the U.S. has done in the past. Mm-hmm. So, دو پہلو ہیں اس ایشو کے ایک تو پاکستان کے ساتھ تعلقات اس میں انوبھو نے کہا کہ چونکہ پاکستان پہ پہلے ہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا تو پاکستان کو تنہا نہیں کرنا چاہتا امریکہ پوری طرح سے اور فوکس وہ کرنا چاہتا ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی لانے پر دوسری جانب جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو انوبھو نے کہا کہ بھارت کو مایوسی تو ہوگی لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بزنس ایز یوزول ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے انوبھو گپتا تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ تھینک یو فار ہیونگ می ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق گزشتہ روز آنے والی شدید زلزلے کے بعد ریسکیو سرگرمیاں مکمل کر لی گئی ہیں ایران کے مغربی پہاڑی علاقے کرمانشاہ میں زلزلے سے کم از کم 450 افراد ہلاک ہو چکے ہیں عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی گئی ہے بہت سے لوگ اب بھی رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہیں جبکہ زخمیوں کا علاج فوج کے بنائے گئے عارضی ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے زخمی ہونے والے تقریباً 7,500 افراد میں سے بیشتر کو چھوٹی موٹی چوٹیں ہی آئی ہیں سرحد پار عراقی کردستان میں زلزلے سے اب تک کم از کم 7 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کل میانمار کا دورہ کریں گے جہاں توقع ہے کہ وہ روہنگیا بحران کے بارے میں فوجی قیادت کو سخت پیغام دیں گے میانمار کی فوج نے اندرونی تحقیقات کے بعد سیکیورٹی فورسز کو راکھائن ریاست میں کسی قسم کی زیادتی کے الزام سے بری ذمہ قرار دے دیا ہے تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ رپورٹ رد کر چکی ہیں دوسری جانب امریکی کانگریس میانمار پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک بل پر کام کر رہی ہے اس کی تفصیلات اس رپورٹ میں لاکھوں افراد کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آواز This is ethnic cleansing. اب اس آواز کو روہنگیا بحران کے خاتمے کے لیے برما کے فوجی جرنیلوں پر اقتصادی پابندیاں تجویز کرنے والے نئے امریکی بل کی شکل میں توانائی مل رہی ہے اس اقدام کے ذریعے برما کی فوج کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اقتصادی فائدے بھی اٹھائیں اور ساتھ میں روہنگیا افراد کی نسل کشی بھی کریں ایک ایسا بحران جو برما کی حقیقی سربراہ آنگ سان سوچی پر فوج کو جواب دہ ٹھہرانے کے دباؤ کے باعث مزید پیچیدہ ہو گیا ہے ہمیں محض روہنگیا افراد کی نسل کشی کے معاملے پر ہی تشویش نہیں ہے در حقیقت مسئلہ میانمار کی فوج کی جانب سے سویلین حکومت کو دبانے کی کوشش ہوگا ہے میرے خیال میں اس سے انہیں امریکہ کی تمام سیاسی طاقتوں کی جانب سے ایک بہت مضبوط پیغام ملے گا امریکی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما آنگ سان سوچی کے پرانے حامی ہیں I think she's the greatest hope we have. امریکی سینٹ میں بھی سینیٹر جان مکین اور بین کارڈن کی جانب سے اس ایشو پر بل متعارف کرایا گیا ہے آنگ سان سوچی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوج پر پابندیوں کے فیصلے کے برے نتائج نکلیں گے لیکن ایوان زیری یا ہاؤس میں اس بل کو پیش کرنے والے ریپبلکن نمائندے کے مطابق اس کا مقصد قطعی طور پر یہ نہیں ہمیں امید ہے کہ اس سے سوچی کا فوج کے مقابلے میں اثر بڑھے گا اگر فوج اپنی اصلاح کر لیتی ہے روہنگیا کے اوپر مظالم بند کر دیتی ہے تو پھر ہم سوچی کے ساتھ مل کر ان پابندیوں میں نرمی کا کام کر سکتے ہیں اور بل میں وہ اگلے اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں جو مظالم بند ہونے کی صورت میں کیے جائیں گے ہمارا ہدف یہ ہے کہ بے گھر ہو کر بنگلہ دیش بھاگ جانے والے افراد کو واپس میانمار آنے اور اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت ملے حالانکہ بہت سے گھر
फौज की जानिब से जला दिए गए, इसलिए बहुत सी इक्तसादी इमदाद की आने वाले दिनों में जरूरत होगी। कांग्रेसमैन एलियट एंगल कहते हैं उन्हें इस बिल पर इस साल के अख्ताम तक पेशरफ्त की उम्मीद है। शो में आगे चलकर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बाहुनर पाकिस्तानी से, और हमारा हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट भी शामिल है आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले देखते हैं कुछ अहम बैन अल-अक़वामी खबरों की झलकियां। वर्ल्ड यमन के शहर अदन में दो खुदकुश हमला आवरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के बाहर खड़ी एक गाड़ी के करीब धमाका करके 6 अफराद को हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया है। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारत भी तबाह हो गई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद का कहना है कि कतर को पाबंदी लगाने वाले अरब ममालिक मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं थे। मुल्क की शुरा काउंसिल से खिताब के दौरान उनका कहना था कि कतर ने पाबंदियां लगाने वाले अरब ममालिक को मुल्क की खुदमुख्तारी के फ्रेमवर्क में रहते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की थी। इराकी कुर्द हुकाम का कहना है कि मुस्तकबिल के हवाले से मुज़ाकरात की खातिर इराकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए इलाके की अलहदगी की तहरीक को रोकने के लिए तैयार हैं। जनूबी अमरीका के मुल्क पेरू में 2000 साल पुराने आसार कदीमा के नमूने आग लगने से तबाह हो गए हैं। इन नमूनों को 4500 साल पुराने टेंपल ऑफ मंटरून से दरियाफ्त किया गया था, जो कि बरियाज़म अमरीका का सबसे पुराना टेंपल है। अमेरिकी कांग्रेस के 535 अराकीन में से 105 खवातीन हैं, यानी आबादी के 50% की विफाक में नुमाइंदगी सिर्फ 20% है। लेकिन अगले साल ये बदल भी सकता है, क्योंकि तकरीबन 400 खवातीन कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने का इरादा रखती हैं। सियासत में हर सतह पर खवातीन को आगे लाने के लिए अब अमेरिका में बहुत से इदारे उन्हें खास तौर पर तैयारी भी करवा रहे हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हफ्ते की रात पढ़ाई का वक्त, लेकिन पहले कुछ गपशप। डेजा सॉयर कॉलेज के आखिरी साल में हैं और रेस्टोरेंट में काम करती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का मकसद अपना नाम बैलेट पेपर पर देखना है। मेरा इरादा सेंट पीटर्सबर्ग में अपने घर पहुंचकर 2020-21 के सिटी काउंसिल के इलेक्शंस में हिस्सा लेना है, और इसके बाद मैं शहर की पहली अफ्रीकी अमरीकी खातून मेयर बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। तैयारी के लिए डेजा ने रेडी टू रन नामी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ वो इलेक्शन मुहिम चलाना सीखती हैं, और फिर सबसे मुश्किल काम फंड रेजिंग। ट्रेनर्स मुत्तफिक हैं कि सियासत में औरतों की निस्बत मर्द ज्यादा हैं। उन्हें ये ख्याल ही नहीं आता कि मुंतखब नुमाइंदे की हैसियत से वो और बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरी सारी जिंदगी मुझे बताया जाता रहा है कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक आवाज मुझे कहती थी कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा। वैसे तो अमरीका भर में खवातीन को सियासत के लिए तैयार करने के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सिर्फ रिपब्लिकन खवातीन की तरबियत की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोग्राम्स कम है। लेकिन रियासत ओहायो में एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद है। इस 8 माह पर मबनी प्रोग्राम को रियासत के ऐवान नुमाइंदगान की पहली खातून स्पीकर 90 साल जोएन डेविडसन चला रही हैं। अगले साल डेमोक्रेटिक खवातीन उम्मीदवार तादाद में रिपब्लिकन खवातीन उम्मीदवारों पर 4-1 से सबकत ले जाएंगी। कुछ का ख्याल है कि पिछले साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे से खवातीन सियासत से दूर हुई, लेकिन फिर वाशिंगटन में खवातीन के तारीखी मार्च ने उन्हें नई तवानाई दी। बहुत सी डेमोक्रेटिक खवातीन इसलिए आगे आ रही हैं क्योंकि वो कुछ खास इश्यूज पर पुरजोर अंदाज में सोचती हैं। रिपब्लिकन खवातीन में हम ऐसे नहीं देखते, वो लोकल गवर्नमेंट जैसे निचले दर्जों से बतदरीज ऊपर आती हैं। जोएन की कामयाबी का सबूत है रियासती नुमाइंदा क्रिस्टीना हेगन, जो अब अमरीकी कांग्रेस के इंतखाब के लिए खड़ी हैं। लीडरशिप इंस्टीट्यूट से सीखा कि नाकामी से डरना नहीं चाहिए, जो हमने देखा ही नहीं उससे डरना कैसा। ये कोई नहीं जानता कि ये ट्रेनिंग इन खवातीन को कितना ऊपर तक लेकर जा सकती है, लेकिन शायद ये इसका मकसद भी नहीं। इवन इफ चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैंने अपनी उम्र और मुझसे कम उम्र लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है, तो मैंने अपना काम कर दिया और मैं फिर कोशिश करूंगी। कैरोलाइन फर्सुडी के साथ सबर्शा खान, उर्दू वीओए। आमतौर पर जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हैं तो ज़्यादातर ये बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या तफरी की, लेकिन वाशिंगटन के करीब अमरीकी रियासत मैरीलैंड के कुछ हाई स्कूल के तालिबिल्मों ने इस साल गर्मियों की छुट्टियों में कुछ मुख्तलिफ किया। वो क्या है जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में।
अलीना पगोसियन समर राइज इंटर्नशिप की अपनी पहली असाइनमेंट के लिए तैयार हैं। Today we are going to be running some DNA. आज हम जेल पर कुछ DNA टेस्ट करेंगे ताकि इसका तायुन किया जा सके कि आया ये तजुर्बा क्लास में हमारे तालिब इल्मों के लिए काम करेगा। ये मंटगोमरी कॉलेज में एक बायोलॉजी लैब सेशन है। Using a lot of new material. जितना सामान और मशीनरी मैंने यहाँ इस्तेमाल की ज्यादातर हाई स्कूलों में नहीं दिया जाता। मेरे लिए इन चीजों का इस्तेमाल सीखना बहुत जरूरी है और ये सब कुछ सिर्फ लैब के अंदर ही नहीं था। I had taken her downstairs to work. मैं इसे नीचे एक सांप पर काम करने ले गई थी। हमारे पास एक कछुआ भी है, लिहाजा इसे यहाँ जानवरों की देखभाल का तजुर्बा भी हुआ। इस तजर्बे ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद अपने मुस्तकबिल की ऑप्शंस के बारे में सोचने में मदद दी। ऑप्शंस वर फॉर आफ्टर आई ग्रेजुएट। अलीना मंटगोमरी काउंटी के तमाम 25 हाई स्कूलों से 400 से ज्यादा तालबिलों में से एक हैं, जिन्होंने समर राइज इंटर्नशिप के पहले साल के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। राइज या रियल इंटरेस्टिंग समर एक्सपीरियंस नामी इस प्रोग्राम का मकसद हाई स्कूल के तालबिलों को मुख्तलिफ करियर से रोशनास कराना है। We said there's 30,000 middle skill. हमने ये भी सोचा कि यहाँ काउंटी में 30,000 के करीब दरमियाने दर्जे की पेशावराना असामियाँ जो खाली पड़ी हैं, इन स्टूडेंट्स को किस तरह से उनसे रोशनास कराया जाए ताकि वो अगले चंद सालों में उनको पूर्ण कर सकें। That they could be doing in a year or two that pay well and are on career track. ये प्रोग्राम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 140 से ज्यादा बिजनेसेस, सरकारी एजेंसियों और गैर मुनाफा बख्श इदारों ने इसमें तालिबे इल्मों को बामुआवजा इंटर्नशिप करने की पेशकश के साथ हिस्सा लिया। इसे काउंटी काउंसिल से भी जुजी फंडिंग मिली है। अगरचे ये एक जंग थी खास तौर पर बजट के टाइम पर, लेकिन अगर हमें बैन अल-अक़वामी सतह पर आगे आना है तो ये बहुत अहम है। समर राइज के शुरका और मुंतजमीन को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम में आइंदा सालों में इजाफा होगा और मजीद रियासतों में इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। फैज़ल मिस्री की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। और जाने से पहले मिलते हैं एक पाकिस्तानी से जिसने अपनी हिम्मत और जहानत से टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल सारा, महमूदुल हसन नाबीना है और उन्होंने स्मार्टफोन वीडियो और ऑडियो ऐप तैयार की है जिसे नाबीना अफराद बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस संग मील तक कैसे पहुँचे उन्हीं से जानते हैं। महमूदुल हसन खलील ने दुनिया भर से पॉडकास्ट जमा करके इसकी एक डायरेक्टरी बनाने के लिए चंद साल कबल पॉडकास्ट वर्ल्ड के नाम से एक वेबसाइट बनाई, लेकिन उनके बकौल पाकिस्तान में पॉडकास्ट का रुझान कम होने की वजह से उन्हें इस काविश के खातिर खास समरात न मिल सके। ताहम हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने अपने आइडिया में कुछ तब्दीली लाकर एक मोबाइल फोन ऐप पर काम शुरू किया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं डिसेबिलिटी को भी सर्व करूं, फेलो डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए भी अच्छे से पॉडकास्ट्स बनाऊं और असातिज़ा और मुआशी, मुआशरती, इक्तसादी, मजहबी और सियासी माहरीन, मुदब्बरीन हैं, मुफक्किरीन हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएं, उसको पॉडकास्ट की शक्ल दी जाए। ये इस वक्त वाहिद एंड्रॉयड ऐप है जिस पे एक वक्त में एक ही टॉक शो की ऑडियो और वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन ये काम इतना आसान था और ना ही है जितना शायद आपको महमूदुल हसन की बात से महसूस हुआ हो। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि काम करने वाला ब्लाइंड है तो एक्सप्लॉयटेशन भी है सोसाइटी में, वो है, आइडिया की भी एक्सप्लॉयटेशन है। सबसे पहले तो माली मुश्किलात थी, अब भी हैं, उसी तरह हैं, और फिर उसके बाद अपने आइडिया को लोगों को समझाने में टाइम लगता है, बताने में टाइम लगता है कि पॉडकास्ट दरअसल कहते किसको हैं। हमारे मुल्क में पॉडकास्ट का कल्चर ही नहीं था, आज भी नहीं है, और अभी शायद मजीद वक्त लगे, लेकिन मुझे बड़ा यकीन है इस बात पे कि हम भैंस के आगे बीन नहीं बजा रहे, ये बड़ा पढ़ा लिखा मुआशरा है। गुज़श्ता 17 साल से दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता महमूदुल हसन खलील इस्लामाबाद की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में मुताले पाकिस्तान का मजमून पढ़ाते हैं। ख्वाहिश, कोशिश, इरादा और मजबूत इरादा, ये दो तीन चीज़ें अगर इकट्ठी कर ली जाएं तो ज़रूरियात और सलाहियतों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो सकती है। तो अगर हम अपनी डिसेबिलिटी या किसी एबिलिटी को अपने लिए चैलेंज बना लें और उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो हम, मेरा ख्याल है कि चीज़ों को मैनेज करते हैं। महमूदुल हसन खलील कहते हैं कि उन्हें पॉडकास्ट के अपने इस काम के लिए जहां माली तावुन दरकार है, वहीं समाजी और इखलाकी तावुन की भी ज़रूरत है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ये था हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, जिसके लिए हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/voaurdu और ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिब अल इस्लाम और सारा जमान को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।